नमस्कार साथियों, सुप्रभात। और आज साथियों 26 मई है और पानी सेन में काफ़ी प्रसिद्ध मेला भी लगने वाला है, जो क्षेत्रीय मेला है। और साथियों आज मैं पहुंचा हूं बेहद ही खूबसूरत और रिकनिकाल ब्लॉक का जो अंतिम गांव है, तोलू डांडा गांव। प्राकृतिक जो सुंदरता है उससे कितना परिपूर्ण है गांव और कितना खूबसूरत है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो आज जितना भी मेरे पास समय है, इतना ज़्यादा समय तो नहीं है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं बातचीत करूँ, वहाँ के बारे में जानूँ, लेकिन अपने वीडियो अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को गांव की जो सुंदरता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो साथियों यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, ये तोलू डांडा तक रोड गई है और रोड के बाद जो नीचे गाँव का जो दृश्य है, कितना खूबसूरत दृश्य, कितना प्यारा गाँव है तोलू डांडा। और खेती, ये देखो गाँव की खेती, कितनी ज़्यादा खेती है। और वहाँ पे बेहद ही आगे एक खूबसूरत मंदिर है और खूबसूरत जगह पे बना हुआ। और एक जो मंदिर है आगे है, बहुत छोटा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है लेकिन शायद वीडियो के माध्यम से आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। काफ़ी खूबसूरत वो भी एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, टॉप जगह पर है। और यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत गाँव, बड़ा गाँव। और अभी ये गाँव का एक हिस्सा है, एक भाग है। अभी गांव आगे भी है, इस साइड में भी है और उधर भी है। तो पहले मैं यहां का जो दृश्य है वो आप लोगों को दिखा रहा हूं, आगे का भी दिखाऊंगा। तो ये है तोलू डांडा गांव। कितने खूबसूरत मकान लोगों की यहाँ बने हुए हैं और लग रहा है कि यहाँ प्लान कम हुआ है, सभी घरों पे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे जंगल में, जो बीच में जंगल है, ये पूरा काफल का जंगल है यहाँ पे। और काफ़ी काफल यहाँ पे लगे हुए थे लेकिन लोग आते रहते हैं तोड़ने के लिए, और जंगली जानवर जैसे बंदर हो गए, लंगूर, ये भी खाते रहते हैं। इस कारण से काफल पेड़ों में ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो काफल है वो तोड़े हैं अपने खाने के लायक। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, पूरा जो जंगल है काफल के पेड़ हैं मेरे आगे पीछे, पूरे जो आप लोग देख रहे होंगे सब काफल के पेड़ हैं। और इधर के जो काफल हैं उनका स्वाद काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मीठे काफल हैं। एक दादी जी हैं यहाँ पे जो बकरी चरा रहे हैं। नमस्कार, ठीक ठाक से स्वास्थ्य पानी यो बकरा चराना जी, बकरा चराना चाहिए? चिता तो हूँ तो जरा जो हो रही है, जरा हो रही है तो चिचिलो हाल जो हमारे पिसाली। अच्छा वहाँ से जीत का? अच्छा तुम्हारा डाला पाक तो हुआ वाला वो कहते वो ना, जब बड़ा बाग लग ना तब बड़े लोग खेत का कंची असल लोग घर तो कब जाने कब जाने अब क्या गया से तो क्या बेरी ने उन्हें ये लो दिल्ली रहने देखो ये या कौन सा तो कब जाने दगड़ होटल में खाना चाहो
अरे मुंगेर उंगेर खूब खाओ तुम जीवन जियो बढ़िया बराबर खेत पात का चलो अच्छा जाने बकरा ओ अब वो कुछ आने गुड़ तो जान अच्छा दूर नहीं जा सकता तुम है कहीं जाना तो यू क्या गांव जो है तेरे बाहर घाट दिखे ना जी है क्या चीज गांव सिरो डाउन यू पास निकाल जी सिरो डाउन हाँ क्या अच्छा पास निकाल है अच्छा अकादा मोची अग मैं कर रहा थी उमर सुंदर कर रहा थी अच्छा पल साथ दूठ हो थी अमर बड़ चेक अच्छा माता दस छी हां आ दस मौत छी पचास अच्छा तो घर को बोल था छी और लोग सब घर में रहने से जेब हां पति घर आ अब बकरा तो है चरण तो खैर कुछ नहीं हुई जो पर जे खाना वालों पा तू आप ही जाने है दुबुल बुल खाना रे दुबुल भुका के जावे रे मैं तो दिन दी क्यों अब बुदरा बुए ठीक से बुदरा बुए हां ठीक से तो ठीक है स्वास्थ्य है ख्याल रखो फिर खूब बकरा उकरा चराओ अड्डा मूड खूब रहा बैठ ठंडा डा की एक चीज खिड़की की दी चल को अच्छा चल को तो चल को चल का।